हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हो ब्यूटी टिप्स बाय पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी से बनी दो आसान होम रेमेडी फेस पैक। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं यहां लाती हूं बहुत सी ब्यूटी टिप्स और बहुत सी प्रॉब्लम की सल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रेमेडी। मुल्तानी फेस पैक बनाने के लिए पहले हम यहां पर एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी एक बाउल में ले लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल। आपके पास जिस भी ब्रांड का एलोवेरा जेल है आप वही यूज़ कर सकते हो। अभी हम एक चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे। सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे एक चम्मच दही। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इस रेमेडी को अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हो। इस रेमेडी को आपको वीक में दो बार यूज़ करना है। इस पैक को लगाने के बाद अपने फेस को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक कि ये अच्छे से सूख ना जाए। 15 से 20 मिनट बाद जब फेस पैक अच्छे से सूख जाए तो नॉर्मल वाटर से अपने फेस पैक को अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर एक कॉटन के कपड़े से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है। अभी चलते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ। सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसमें एक चम्मच हनी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच रोज वाटर। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फेस पैक बन के रेडी हो चुका है, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। गर्मियों के सीजन में आपकी स्किन बहुत ही डल हो जाती है, स्किन में टैनिंग का प्रॉब्लम हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाने से आपकी सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। गाइस, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इस फेस पैक को आप वीक में दो बार यूज़ कर सकते हो। फेस पैक को लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक वेट करना होगा, अच्छे से फेस पैक को सूखने के लिए छोड़ देना होगा। फेस पैक सूख जाने के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, एक साफ कपड़े से उसको साफ भी कर लेना है। लास्ट में स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। आपके पास जिस भी ब्रांड का एलोवेरा जेल है या कोई भी मॉइस्चराइज़र है आप वही यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 मिनट तक एलोवेरा जेल से अपने हाथ को अच्छे से मसाज कर लेना है।
गाइस वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।